हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंसिस्टेंट मैथमेटिक्स। बच्चों, सीबीएसई 9th नंबर सिस्टम का वन साइड एमसीक्यू सीरीज लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर सेट 1 का क्वेश्चंस को सॉल्यूशन भी करेंगे और इसके नोट्स को आपको मैं शेयर भी करने वाला हूँ। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि 3/5 to the power -2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग 3/5 -2 को लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट के हेल्प से इस तरह से ऑप्शन को हम लोग करेक्ट करते हैं। लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट क्या होगा, x^-m इज इक्वल टू 1/x^m होगा। यहां पर बच्चों क्या हो गया कि जो बेस है, ये देखिए, ये जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बेस कहते हैं, और ये जो m है इसको हम लोग पावर या तो फिर डिग्री कहते हैं, इसको या तो डिग्री या फिर पावर कहते हैं। तो जब भी हम लोगों का किसी भी बेस का जो पावर या डिग्री नेगेटिव में रहेगा तो उसको पॉजिटिव में करने के लिए बेस को हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। बस यहां पर भी यही करना है। ध्यान से देखिए, 3/5 है, 3/5 -2 है, तो यहाँ पर बेस आपका 3/5 है और डिग्री आपका -2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे बेस का। तो बेस 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका +2 आ जाएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमेटर को, तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या मिल गया, ऑप्शन डी 25/9, और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसको चेक करते हैं हम लोग। ये देखिए आपका ऑप्शन डी जो है वो ग्रीन आ चुका है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर टू है 2.5 × 0.2 × 0.2 2.5 × 0.2 × 0.2 इसको हम लोग क्या करेंगे, जनरली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल करने पे आपको थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, तो डेसिमल को इग्नोर करो ना, डेसिमल को इग्नोर कर देंगे हम लोग। बच्चों किस तरह से, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 25 × 2 × 2 हम लोग राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 25 × 2 = 4 हो गया, और 25 × 4 = 100 होता है, ये तो आपको मालूम ही है। अब यहाँ पर डेसिमल जो प्लेस वैल्यू है आप इस तरह से समझिए, डेसिमल प्लेस वैल्यू आपको आता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, नहीं आता है, तो आप इस तरह से देखिए, यहाँ पर टर्म कितना है, 3 है, और डेसिमल प्लेस वैल्यू जो है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आफ्टर एक डिजिट के बाद है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद है, और यहाँ पर भी एक डिजिट है। अब काउंट कर लीजिए, यहाँ पर एक डिजिट के बाद, यहाँ पर एक डिजिट के बाद, तो कितना हो गया, 2 डिजिट के बाद, और यहाँ पर एक डिजिट के बाद, तो कितना हो गया, 3 डिजिट के बाद। यहाँ पर अब जो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लाए हैं, आप यहाँ पर 1 राइट कर लीजिए, और 3 डिजिट के बाद आपका डेसिमल मिला है, सभी को अब मैंने चेक किया, तो यहाँ पर राइट कर लीजिए 1, 2, 3, और दोनों जीरो को आप इस तरह से कैंसिल कर दीजिए, तो आपका मिलेगा 1/10, और 1/10 को हम लोग 0.1 राइट कर सकते हैं। 1/10 को क्या किए, फिर से डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, तो देखिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। चलिए चेक करते हैं, ये रहा आपके ग्रीन में आ चुका है 0.1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत कॉन्सेप्ट पर आपका ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है इस क्वेश्चन को आपके लिए, जो टर्म 1 के लिए आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए आपके टर्म 1 में। सो ये आपको याद रखना है कि इसको हम लोग कितने आसानी से और किस तरह से इसको बनाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट कहा गया है, देखिए ध्यान से देखिए, ये फ्रैक्शनल पार्ट कहा गया है, तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का कोई पार्ट, किसका पार्ट, 7777 का पार्ट, 7777 का कोई एक ऐसा फ्रैक्शनल पार्ट जो कि कितना है, 77 है। मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट नहीं मालूम है, सपोज कर लीजिए ना कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो एक्स है, आप इस तरह समझ कर लीजिए कि लेट फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू एक्स। अब ये कहा गया है कि जो एक्स है वो किसका पार्ट है,
7777 का पार्ट है और कितना है 77 है। अब देखिए x का वैल्यू जब आपको फाइंड आउट करना है 77 डिवाइडेड बाय 7777। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को कॉमन नंबर से दोनों को कैंसिल आउट करना है। तो यहां पर देखिए इसको 77 वन जा और इसको 77 वन जा और 77 वन जा, तो हम लोगों को 1/101 मिला। और देखिए 101 ये देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, बहुत इजी है। तो देखिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ √2 वी विल गेट। अब यहां पर ध्यान से देखिए √2 के बारे में कहा गया है। आप लोग को तो मालूम है कि √2 जो है ना वो एक इरेशनल नंबर है। √2 एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है, हम लोग को यह भी पता है कि इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जिसको हम लोग नॉन रिकरिंग कहते हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग कहते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर होता है और √2 इरेशनल नंबर है। तो देखिए यहां पर टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चेक किया जाए, यस ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। द वैल्यूज ऑफ -1 to the power 0 -1 to the power 1 -1 to the power 10। यहां पर सभी का बेस जो है ना वो -1 है और जो डिग्री है वो 0 से लेके 10 तक है। आप इसको इस तरह से समझिएगा, यहां पर बेस एंड टू द पावर डिग्री, ठीक है बच्चों। तो बेस टू द पावर डिग्री ये इस फॉर्म में है, तो बेस जो है वो -1 है और जो डिग्री है वो 0 से लेके 10 तक है। उसके बाद आपको पता है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर बेस कुछ भी हो लेकिन डिग्री अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। बेस कुछ भी हो अगर डिग्री 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, राइट बच्चों। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम लोगों का बेस -1 है और डिग्री अगर ऑड में है तो रिजल्ट आपका -1 आएगा, और -1 पे अगर डिग्री इवन है तो उसका रिजल्ट +1 में आएगा। यह आपको हमेशा दिमाग में बैठा के रख लेना है कि -1 पे जो डिग्री है अगर ऑड नंबर में है तो -1 देगा, और -1 to the power अगर डिग्री इवन में है तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा। यहां पर ध्यान से देखिए कि जो डिग्री है वो 0 से लेके 10 तक है, तो इस तरह से बच्चा आप लोग समझिए कि डिग्री 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और इस तरह से वो कहां तक गया है, 10 तक गया है, राइट बच्चों। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जो 0 है उसका वैल्यू 1 आएगा, जो 1 है तो देखिए ऑड है तो हम लोगों को -1 मिलेगा, 2 है तो +1 मिलेगा, 3 है तो फिर -1 मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि 1, 3, 5, 7 और 9 ये जो डिग्री है ना ये हम लोगों का ऑड डिग्री है, तो ये जो ऑड हम लोगों का डिग्री है इस ऑड डिग्री का वैल्यू हम लोगों का कितना आ जाएगा, सब माइनस में आएगा। ये 1 भी -1 दे रहा है, ये 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 भी -1 दे रहा है। और ध्यान से देखिए कि ये जो -1 दिया और इसके आगे हम लोगों का माइनस है, सो यहां पर आप इस तरह से लगा लीजिए माइनस, इस तरह से माइनस लगा लीजिए। देखिए ये इस तरह से आप माइनस अगर लगाइएगा तो रिजल्ट क्या देगा, ऑल पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है,
ये सब आपका क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यानी टोटल आपका कितना आ गया, 5 आ गया। देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 आ गया। सेम इसी तरह से यहां पर भी माइनस है और ये रिजल्ट क्या दे रहा है, प्लस दे रहा है। तो यहां पर आपका कैसा वैल्यू देगा, देखिए यहां पर -1 -1 -1 -1 और -1, यानी रिजल्ट ये देगा 1 2 3 4 5, ये -5 वैल्यू देगा। तो यहां पर जब इस टर्म को आप डिवाइड कीजिएगा और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 1 +5 और -5, ये देखिए 5 5 कैंसिल, तो रिजल्ट हम लोग को क्या मिला, 1 मिला, और ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। अगर इस क्वेश्चन को आपको अच्छा से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें इस क्वेश्चन को मैं फिर से अटेम्प्ट कर लूंगा, राइट बच्चों, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहां से डायरेक्ट मुझसे आप चैट करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ वन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवेंट इंटीजर्स इज m+1, अनदर ऑफ देम कुड बी। अब इसको ध्यान से आप समझिएगा, आपके पास 3 कंसेक्यूटिव इवेंट इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स को पहले मैं यहां पर आपको दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा। ये आपका एक लाइन मैंने ड्रॉ किया और इस लाइन में इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होता है, बट हम लोगों को कौन सा वैल्यू लेना है बच्चों, हम लोगों को लेना है 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। तो सबसे पहले मैं इवन इंटीजर समझाता हूँ। तो देखिए इवन इंटीजर्स क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, इस तरह से हो जाएगा, और यहां पर हम लोग का -2 होगा, -4 होगा, ये इस तरह से जाएगा, 0 हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग का जो इवन इंटीजर्स है वो 2 4 6, फिर यहां पर -2 -4 -6, ये इस तरह से जा रहा है। अब इसमें कहा गया है कि 3 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मींस क्या हुआ बच्चों, इसको आप समझिएगा, ये जो 3 कंसेक्यूटिव कहा गया है इसका मीनिंग क्या हुआ। अगर आप किसी एक को नंबर को आप लेते हैं इवन इंटीजर्स को, सपोज कीजिए आप 2 को लेते हैं, तो देखिए जब एक आप 2 को ले लिए तो 3 कंसेक्यूटिव में क्या क्या हो सकता है, इस 2 के साथ या तो 2 4 6 हो सकता है, या फिर इस 2 के साथ आप इधर जाइएगा तो -2 -6 हो सकता है, इसको हम लोग कहते हैं कंसेक्यूटिव, राइट बच्चों। अब यहां पर बताया गया है कि ये जो नंबर है इस नंबर में m+1 एक नंबर है, तो इसमें से एक हम लोग का कंसेक्यूटिव कौन है, m+1 है। अगर हम लोग का m+1 है तो किसी भी इन नंबर में से किसी भी एक नंबर को आप इसके इक्वल कर दीजिए। सपोज करते हैं कि यहां पर एक नंबर मैंने 2 ले लिया, ये 2, m+1 जो है, जो पहला हम लोग का कंसेक्यूटिव नंबर है वो हम लोग क्या करिए m+1 था, उसको हम लोग क्या सेलेक्ट कर लिए, 2 ले लिए। आप 4 भी ले सकते हैं, -4 भी ले सकते हैं, रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो m+1 = 2 ले लिए, तो यहां पर m का वैल्यू कितना आएगा, 2 -1 = 1 आएगा, m का वैल्यू 1 आ गया, राइट बच्चों। अब जब m का वैल्यू 1 आ गया, ये जो 1 है इसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो 1 + 4 = 5 आएगा, यहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो 1 + 7 = 8 आएगा, 1 - 2 = -1 आएगा, और यहां पर 1 - 3 = -2 आएगा। अब ध्यान से देखिए, जब आप 2 लिए हैं तो इसका 3 कंसेक्यूटिव मैंने बताया था कि अगर आप 2 लीजिएगा तो इसका 3 कंसेक्यूटिव या तो 2 4 6 होगा, या फिर 2 - 2 - 6 होगा। क्या इनमें से कोई एक ऐसा नंबर है जो इसको फॉलो कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, ये 5 8 - 1, इसमें से कोई नंबर नहीं है, -2 ओनली जो है वो इसमें आपका आ रहा है, ये देखिए इसमें आ रहा है। सो m-3 जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट बच्चों। तो ये रहा आपका ग्रीन में आंसर आपके सामने आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। फॉर व्हिच ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ m इज 0.8 × 10^m अ परफेक्ट क्यूब। ध्यान से देखिएगा, 0.8 × 10^m बच्चों, इसको हमको परफेक्ट क्यूब बनाना है। आपको पता है
कि अगर 8 है तो 8 का अगर क्यूब रूट हम लोग निकालते हैं तो बच्चों इसको हम लोग 2 × 2 × 2 राइट करते हैं, ये 2³ होता है, और ये 3 जो है इसको 1/3 राइट करते हैं, ये 3 कैंसिल होगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 2 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 8। हम लोग इस तरह से कहते हैं कि 2 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ परफेक्ट क्यूब, इसको आप काट लीजिए, यहां पर लिख दीजिए परफेक्ट क्यूब ऑफ 8, यानी 2 जो है वो 8 का परफेक्ट क्यूब होता है। बट हम लोग को पता करना है कि 0.8 × 10⁻⁷ जो है, अगर एक परफेक्ट क्यूब है, ये ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है, तो आपको बताना कि m जो है उसका कौन सा वैल्यू होगा, 9 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 6 होगा। तो जब हम लोग इसका परफेक्ट क्यूब बनाए, इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाए बच्चों, तो यहां भैया ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या किए, 3 का पेयर बनाए, यहां पर हम लोग 3 का पेयर बनाए, तो यहां पर भी हम लोग क्या करना, 3 का पेयर बनाना है। तो देखिए ये 8 है, इसको हम लोग 8/10 राइट कर सकते हैं, और ये 10⁻ m है। अब आपको रिजल्ट जल्दी निकालना है क्योंकि MCQ क्वेश्चन है, तो यहां पर जो नंबर है आप उसमें m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए कि कौन सा पेयर बनाता है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर m के वैल्यू यहां पर 9 देता हूं मैं, तो 8/10 × 10⁹, तो यहां आएगा 8 × 10⁸ आएगा बच्चों, क्योंकि यहां पर 10 ऑलरेडी एक डिनोमिनेटर में है, और 8 × 10⁸ जो है उसमें जब आप पेयर बनाइएगा तो यहां पर 10 का जो पेयर बनेगा वो किस तरह से बनेगा, 10 × 10 × 10, ये देखिए 3 का पेयर बना, क्योंकि 3 का पेयर बनाना हम लोग को, फिर अगेन 10 × 10 × 10 यानी 6, और यहां पर केवल 2 हुआ, यानी 2 जो हम लोग का 0 है वो एक्स्ट्रा हो गया, पेयर नहीं बना, इसलिए ये आपका इलिमिनेट हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर नहीं हो सकता। अब यहां 7 दीजिए, तो अगर हम लोग 10⁷ देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी हम लोग का क्या है, एक 10 है, सो यहां पर आ जाएगा कितना, 8 × 10⁶ आ जाएगा। और देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि 3 × 3 = 6 का पेयर हम लोगों का क्यूब का बन जाता है, सो ऑप्शन बी जो है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, देखिए ऑप्शन बी जो है वो हम लोगों का करेक्ट है, ग्रीन में आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, इफ द रेशियो ऑफ द रवि एज टू जॉन एज इज 2:3 and which of the following is true about their actual ages? इसमें बताना है कि इसमें जो ऑप्शन में जो स्टेटमेंट है वो कौन सा इसके रिस्पेक्ट में सही है। ध्यान से देखिएगा, रवि एज इज इक्वल टू, इसको आप 2x ले लीजिए, और जो जॉन एज है इसको आप 3x ले लीजिए। अब इसमें कहा गया है पहला में कि जॉन एज क्या है, 3x है, एज इक्वल टू 1½, ये 1½ है बच्चों, 1½ टाइम्स रवि एज क्या है, 2x है। इसमें कहा गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है या नहीं है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहां x कैंसिल हो गया, इसको आप रिमूव कर लीजिए, 3 = 3/2 × 2 कैंसिल, तो देखिए 3 जो है ना वो 3 के इक्वल हो गया, मींस LHS RHS के इक्वल हो गया, सो ऑप्शन ए जो है ना वो करेक्ट है, आपको बी सी और डी आपको देखना ही नहीं है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, और यही हम लोगों का करेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर, इफ एन इज अ रैशनल नंबर, एन कोई भी एक रैशनल नंबर है अदर देन 0, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहां पर देखिए कहा गया कि नॉट नेसेसरी अ रैशनल नंबर, तो इसमें ध्यान से देखिए 13/n, जब n एक रैशनल नंबर है तो फिर हम लोगों का 13/n रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए ये आपका स्क्वायर रूट में है, तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं हो सकता, सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रूट जो है वो इरेशनल नंबर है,
तो आंसर चेक करते हैं और देखिए ये आपका ग्रीन में आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बबलू हाइट इंक्रीज बाय 10% ओवर द लास्ट ईयर एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज लास्ट ईयर हाइट टू दिस ईयर। बच्चों यहां पर बबलू का जो हाइट है वो 10% इंक्रीज हो रहा है लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर का एज जो है उसको हम लोग सपोज करते हैं, लास्ट ईयर एज आपका एक्स है, 10% इसमें इंक्रीज हो रहा है बच्चों, तो 10% जब इंक्रीज होगा तो 10 × x/100 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो x/10 मिलेगा। तो लास्ट ईयर जब इंक्रीज हो गया उसके बाद आपका जो बबलू का हाइट है वो कितना हुआ, तो फाइनल हाइट आफ्टर 10% इंक्रीज कितना हो जाएगा बच्चों, जो पहले हाइट था लास्ट ईयर का x था और इंक्रीज हुआ x/10, तो ये हो जाएगा 10x + x और बाय 10, तो यहां पर देखिए 11x/10 ये हो गया 10% इंक्रीज होने के बाद फाइनल आपका हाइट हो गया। अब यहां पर क्या करना है आपको, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज लास्ट ईयर हाइट टू दिस ईयर, लास्ट ईयर का हाइट कितना है, लास्ट ईयर का आपका हाइट है एक्स, यहां पर एक्स राइट कर लीजिए क्योंकि रेशियो में निकालना है सो आप रेशियो में दीजिए, और यहां पर है लास्ट ईयर हाइट टू दिस ईयर और दिस ईयर कितना हो गया 11x/10, तो कितना हो गया बच्चों ये x कैंसिल आउट हो गया 1:11/10 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10:11, तो देखिए 10:11 ऑप्शन ए करेक्ट हो गया राइट बच्चों, तो इसको आंसर चेक कर लेते हैं, तो देखिए ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट हो गया 10:11। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आपके लिए बेनिफिशियल हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो के बारे में बताइएगा अगर आपको अच्छा लगे और अगर आपको समझ में आया तो राइट बच्चों, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वंदे मातरम।